एक दर्जी का बेटा था। एक दिन वो स्कूल गया तो पता चला आज स्कूल की छुट्टी हो गई, होती है ना, हॉलीडे हो जाती है स्कूल जाने के बाद। अब वो सोचा कि चल के जरा, घर नहीं गया, खेलने नहीं गया, सोचा आज पिताजी के दुकान पे चलते हैं और देखते हैं पिताजी वास्तव में करते क्या है घर से निकलते हैं। वो बच्चा अपने पिताजी के दुकान पे गया, कपड़ा काट रहे थे और जिस कपड़े को काटते थे जिस कैंची से, उसको जहां बैठे रहते थे उसके नीचे छुपा लेते थे। कपड़ा काटने के बाद कैंची को जहां बैठे रहते थे उसके नीचे छुपा लेते थे, और कपड़ा जिस सुई से सिलते थे उस सुई को सर पे टोपी पे लगा लेते थे। कई बार ये प्रक्रिया बच्चा देखा, बच्चा को समझ में नहीं आया कि कैंची को छुपा ले रहे हैं और सुई को टोपी पे लगा ले रहे हैं। कई बार वो जानने समझने का प्रयास किया, अपना दिमाग लगाने का प्रयास किया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि क्यों कैंची को सीट के नीचे छुपा ले रहे हैं, सुई को क्यों टोपी पे लगा रहे हैं। उससे रहा नहीं गया, उसने पूछा कि पिताजी मैं कई बार देख रहा हूं, बार बार देख रहा हूं कि आप कैंची को, कपड़े को काटने के बाद कैंची को सीट के नीचे रख लेते हैं और सुई को, कपड़े को सिलने के बाद सुई को टोपी पे लगा लेते हैं, ऐसा क्यों? पिताजी ने जो जवाब दिया कि बेटा, जो लोग काटने का कार्य करते हैं, जो समाज को, जो अनुदेशक समाज को इस देश को, इस प्रदेश को काटने का काम करते हैं, वो गलत काम करते हैं, और जिस कैंची के द्वारा काटा जाता है उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उसको छुपाने की जरूरत है, लेकिन जो सुई के द्वारा समाज को जोड़ने का काम करते हैं, चाहे वो अनुदेशक समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे प्रदेश हो, जो सिलने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, एक कपड़ा इधर एक कपड़ा इधर, सुई ने दोनों को जोड़ दिया, तो जो जोड़ने का काम करता है वो महान है और जो काटने का काम करता है वो महान नहीं है। तो इसीलिए मैं उसको कैंची को छुपाने का काम करता हूं और सुई को सर पे लगाने का काम करता हूं। बच्चे को समझ में आया कि वास्तव में हमारे पिताजी महान हैं, और इस कहानी को विद्यालय में भी बच्चा गया तो बताने का कार्य किया। तो हम लोग भी बरेली की पश्चिम की सरजमी से, बरेली मंडल, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, पूर्वांचल से चलकर एक एकता का संदेश लेकर आए हैं कि 10 वर्षों से जो हम लोगों ने गलती किया, अब हम लोग एक मंच पे आए, एक साथ काम करें, सबका लक्ष्य एक है। आज यदि 2000 रुपया बढ़ा है तो सिर्फ विक्रम सिंह के खाते में नहीं आया है, यहां बैठे हुए हर उस शख्स के खाते में आया हो, और 10 साल जिसने अनुदेशक समाज के लिए न कभी किसी मीटिंग में गया हो, न किसी धरना में गया हो, न 1 रुपया का सहयोग किया हो, उसके भी खाते में गया है। बिल्कुल। और जिसने सबसे ज्यादा सहयोग किया हो, धरना में गया हो, मीटिंग में गया हो, तन मन धन से सहयोग किया हो, उसके भी खाते में 2000 गया, और जो कहीं नहीं गया उसके खाते में भी 2000 गया। तो वहां तो सूर्य की रोशनी जैसे अमीर के घर में भी उतनी ही जाती है जितनी गरीब के छप्पर में जाती है, क्यों सलेन जी? ऐसा नहीं है कि धीरू भाई अंबानी सारा धूप खरीद लेते हैं और एक अनुदेशक समाज उसके घर में धूप नहीं जाता है। जितना धीरू भाई अंबानी के घर में जाता होगा, गौतम अडानी के घर में जाता होगा धूप, उतना ही धूप विक्रम सिंह के भी घर में, सलेन भाई के भी घर में जाता होगा, क्यों अमित जी? बिल्कुल। तो सूर्य की तरह हम लोग को कार्य करना है, तो एक साथ यही हम संदेश देने आए हैं, और आपकी बात सुनेंगे। मुझसे जो गलती होगी आप फोन करके हमें बताइए, आप सलाह दीजिए, आप सुझाव दीजिए, कहिए सर ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पे न चल के इस रास्ते पे चला जाए, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखने की जरूरत नहीं है। आप कोई समस्या आ रही है विक्रम सिंह से, विक्रम सिंह गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो विक्रम सिंह से बात करिए, विक्रम सिंह को डांटिए, फटकारिए, आपका अधिकार बनता है। लेकिन आप यदि ग्रुप पे डालते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं, इसका मतलब आप प्रदीप जी समाधान नहीं चाहते हैं, आप शैलेन जी राजनीति करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं अनुदेशकों की स्थिति सुधरे। और 10 वर्षों के बाद भी यदि अनुदेशक अभी भी नहीं जग पाया तो 21 में मिनिमम 21 साल था, मैक्सिमम 35 साल था, मैं खुद 35 में ही हुआ हूं, तो आज मेरी उम्र खुद 45 हो गई है। तो अभी भी यदि हम ना जगे
तो अब कोई बचाने वाला नहीं है। देखिए क्या क्या संगठन संगठन खेलते खेलते 10 वर्ष हो गए, अभी भी हम लोग संगठन संगठन खेलते रहेंगे। 10 वर्षों में कितने लोगों ने आया, क्या क्या किया, किस प्रकार से हमको आपको गुमराह किया, मूर्ख बनाया। मैं खुद भी मूर्ख बनता रहा, लेकिन मेरी बुद्धि कब खुली, 12 मई को। 12 मई को जब मैं इलाहाबाद पहुंचा, मैं क्यों इतना सक्रिय हुआ ये भी आपको बता दूं। 25 अक्टूबर 2021 से स्पेशल कवरेज न्यूज के द्वारा डिबेट प्रारंभ हुआ। समझिए, दो व्यक्ति हम लोग के लिए महामानव है। भगवान को तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन वास्तव में शिव कुमार मिश्रा जी और सुरेंद्र दुबे जी भगवान हैं। हम लोग किताब में पढ़ते हैं सूर्य क्रांति में कि भगवान क्या होता है, लेकिन इस धरती पे यदि भगवान को देखना हो तो शिव कुमार मिश्रा जी के रूप में देखिए और सुरेंद्र दुबे जी के रूप में देखिए। शायद हम आप उतना समय नहीं देते। उनको क्या मिल रहा है, 70-75 साल 80 साल का एक बुजुर्ग 8 बजे चैनल पे आके बैठ के, वो भी उस सरकार से जिस सरकार के बारे में क्या कहना है देख ही रहे हैं आप, क्या गलत पड़ी है उनको। शायद हम आप समय नहीं दे पा रहे हैं। हम आप समय दे दे 1 घंटा तो ना जाने मामला कब निपट गया होता। तो जब ऐसे महामानव ऐसे ईश्वर के रूप में व्यक्ति हम लोग के बीच उपस्थित हैं और उसका फायदा हम आप ना उठा पा रहे हो तो भगवान मालिक है। 15-20 लाख रुपया हियरिंग है एपीसी सर का, एपीसीसी का 15-20 लाख रुपया हियरिंग है। वो व्यक्ति हाँ, वो व्यक्ति सर यदि हमारे लिए लड़ाई लड़ने दिल्ली से चलकर इलाहाबाद आ रहा है, कोई ऊपर से नीचे नहीं जाता है। आज हम लोग को कहा जाता है स्कूल में कि आप जूनियर में है, प्राइमरी में जाइए। मैडम को, स्कूल के अध्यापक को कहा जाता है प्राइमरी में कोई जाने को तैयार है, आप बताइए। वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से आके नीचे लड़ाई लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है, शिव कुमार मिश्रा जी को देखा उन्होंने, क्या गरज पड़ी है पीसी को। लेकिन उस व्यक्ति को लगा कि अनुदेशक के साथ अन्याय हो रहा है, और अन्याय हो रहा है तो अनुदेशक के साथ खड़े हुए और वो आए। 12 मई से सर लेकर 12 बार वो लखनऊ की सरजमी पे आए, सॉरी इलाहाबाद की सरजमी पे, अनुदेशकों के अन्याय हो रहा था उसको दूर करने के लिए। आप 12 मई से पहले की स्थिति देखिए अनुदेशक की, कोर्ट केस की, और 12 मई के बाद की। मेरी बात पे भरोसा मत करिए आप। 12 मई से पहले क्या स्थिति थी और 12 मई के बाद क्या स्थिति है, दोनों में आप तुलना खुद करिए। खुद जब तुलना करेंगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर होगा। यहां जितने लोग बैठे हो कोई बता दे कि कभी अनुदेशक का टाइम फिक्स हुआ था क्या कि 12 बजे सुनवाई होगी, कभी टाइम फिक्स हुआ था क्या कि 11:30 बजे सुनवाई होगी, कभी अनुदेशक का 1.5 घंटा सुनवाई हुआ था क्या, कभी 2 घंटा सुनवाई हुआ था क्या। हम लोगों से गुमराह करके बड़े वकील के नाम पर सहयोग करवाया गया, लेकिन कभी बड़े वकील खड़े नहीं हुए। बड़े वकील खड़े हो गए होते तो अनुदेशक की दुर्दशा के लिए 10 साल नहीं लगते। क्या बात था कि 12 मई को एपीसी पहुंचे 10 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट में और 12 बजे का समय लग गया। एक शख्स 10 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचता है और 12 बजे का समय लग जाता है। आपने देखा होगा 12 मई 2022 को कि 12 बजे अनुदेशक की सुनवाई शुरू होगी। इससे पहले ऐसा कोई मैसेज आप देखे हो तो बताएं, कोई सुना हो तो बताएं। केस टेकअप नहीं होता था। हम लोग व्हाट्सएप पे लिखते थे कि क्या हुआ, सुनवाई थी। दिन भर सुबह जब उठते थे कई अगरबत्ती जला देते थे कि भगवान आज हमारा डेट लगा है, आज कुछ सुन लीजिए। दिन भर मैसेज डालते थे कि क्या हुआ क्या हुआ। शाम को एक पोस्ट आती थी कि आज केस टेकअप नहीं हुआ, अगली डेट लग गई। यही आता था ना। तो क्या कारण था कि 12 मई से डेट लगना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग देखिए कोर्ट केस में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था।